नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 7 सालों से विवादों में बना हुआ था, अब अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। पटना के एम कॉलेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, वहां अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन काउंसलिंग के दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है और फर्जी पाए जा रहे हैं। आयोग उन्हें काउंसलिंग करने से मना कर दे रहा है, यानी कि काउंसलिंग वो उनका नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कल कई ऐसे अभ्यर्थियों का वीडियो हमने आपको दिखाया था जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट के पास पहुंचे थे। उनका कहना था कि वो फर्जी नहीं है, उनका 7 साल बीत जाने के बाद भी उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। आयोग जो बायोमेट्रिक मशीन रखा है उसमें गड़बड़ी है। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि हम लोग फर्जी नहीं है, इसके बाद भी अब मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी ने ये भी दिखाया कि उनका बायोमेट्रिक पीटी में मैच कर जा रहा है, मेंस में नहीं कर रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी कल पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट के वकील से भी उन्होंने बातचीत की है। अभी उन्होंने अपना एप्लीकेशन जमा किया है, आगे की प्रक्रिया अभी बाकी है। लगातार काउंसलिंग में फर्जी अभ्यर्थी, हालांकि ये हम नहीं कह सकते हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी फर्जी है कि नहीं, ये तो हाईकोर्ट के जवाब आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फर्जी अभ्यर्थियों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले दिन 61 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, उसके बाद 38 और कल 14 फर्जी अभ्यर्थी, यानी कि कुल मिलाकर 113 फर्जी अभ्यर्थी अब तक पकड़े गए हैं। लगातार अभ्यर्थियों का मिलने का सिलसिला भी जारी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में 13,120 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। 3 दिनों में 113 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। हालांकि ये अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के तरफ से जो जवाब सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी दूसरे के बदले काउंसलिंग में शामिल होने आए थे। इनके बायोमेट्रिक उपस्थिति में पकड़ा गया। परीक्षा के दौरान ली गई अंगूठे के निशान और काउंसलिंग के दौरान ली गई अंगूठे के निशान में अंतर आ जा रहा है। इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, सभी को जेल भेजा जा रहा है। सभी के खिलाफ इसके पूरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 24 दिसंबर तक चलने वाली है। यानी कि जो ये फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, इनका लगातार ये कहना है कि हम लोग फर्जी नहीं है। 7 साल बीत जाने के बाद कई ऐसे अंतर आ जाते हैं जिसके कारण बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रहा होगा। हालांकि कभी पीटी में मैच कर जा रहा है, मेंस में नहीं कर रहा है। बहुत तरह की ऐसी गड़बड़ियां सामने आई है जिसको हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं जो सही में फर्जी नहीं है, वो सही है, फिर भी उनको आयोग काउंसलिंग जब बायोमेट्रिक किया जा रहा है तब उन्हें हटा दिया जा रहा है। वो अभ्यर्थी काफ़ी नाराज है। अभ्यर्थी के माँ बाप जब उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्हें काउंसलिंग से क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम फर्जी नहीं होने के बावजूद भी हमें काउंसलिंग से हटा दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार काउंसलिंग की सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जो कि जल्द ही काउंसलिंग की लिस्ट जारी किया जाए क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा रहा तो सीट खाली रह जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वो काउंसलिंग की लिस्ट आयोग जल्द से जल्द जारी करे। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।